कितना दो के बाद वेदर है आज का मैं बता दूं, ये देख लो। जो सुबह मैं ब्लॉग बना के गई थी ना पहले, ठीक है, मतलब जो सुबह मैं ब्लॉग बना के गई थी वो दोपहर का था। आज पूरा दिन ऐसे मौसम रहा और अब धूप से निकली है, इतनी तेज़ हवाएं चली ना कि ये दो टेक्सचर तो इतने हल्के हैं, उड़ रहे थे इतने ज़्यादा। मैंने सारे टेक्सचर्स पे पानी डाला, अभी मैं आपको प्रूफ भी दूंगी। ये शेप्स कल बनी है, गिल्ली भी थी, ये देखो कैसे हो गई है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, लॉजिक जो मेरी बातों का है। ऐसी शेप्स थी प्लेन और ऐसी हो गई है। देख लो ये टेक्सचर इतना उड़ा है, ये इतना ज़्यादा उड़ा था। हालांकि इनकी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी पर अब गिल्ले हो गए हैं ये। पानी छिड़का मैंने सारों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादा, ये तो पता नहीं सूख गया है, पर बहुत पानी छिड़का था इसके ऊपर भी, सबके ऊपर छिड़का था पानी। ये देखो यहाँ से देखो, कल ही बनी है ये शेप और ऐसी हो गई है। ये देखो इतना कचरा आ गया है। फिर देखो रेत, ये ऑरेंज रेत पता है वहाँ से आ रही है जो पड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगी बाद में। ये देखो, अच्छा चलो ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो, ये देखो इतनी प्यारी शेप्स बनी हुई, ये हाल हो रहे हैं। बस ये दिखाने के लिए आई थी, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करनी है पुराने टेक्सचर्स की, इसकी कर लेती हूँ, उसकी कर लेती हूँ, छोटा सा व्लॉग बन रहा है आज। ये गिल्ला और हो गया, इतना बढ़िया टेक्सचर था, डस्टी तो अभी भी है। विराट के लिए आपने इतने प्यारे कमेंट करे, क्या था, शिखा, थैंक यू सो मच। और अंबर आंटी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, आप बड़े हो मुझसे। मुझे पता नहीं चलता कौन कौन मुझसे बड़ा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है सारे बड़े होंगे वैसे तो मुझसे, एक एक आधों का पता है जो मुझसे छोटे हैं, बाकियों का नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा। मैं उनका चैनल का नाम बहुत बड़ा है तो ले नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कहा आप मुझे अंबर आंटी बोल सकते हैं। सो स्वीट ऑफ हर कि वो इतना प्यार दिखाती हैं, इतने कमेंट करती हैं। सभी जो जो कमेंट करते हैं ना उनका दिल से शुक्रिया, दिल से। चलो थोड़ा इसके साथ ना प्ले करते हैं क्योंकि थोड़ा डैम्प है ना, मिक्स हो जाएगा। क्या खुशबू आई है इसकी, देखो आपको साउंड भी दिख जाती है, सुन जाती है, हमारे वीडियो दिख जाती है, मतलब जैसा यहाँ छत पे हो रहा है ऐसा दिख जाती है। अगर जो ऐसा कुछ होता ना किसी से कुछ पार्सल करा लो भाई, मज़ा आ जाता। पता नहीं बहुत पुराने कोई ब्लॉगर है उसने कहा था, तो एकदम से फ़ोन बंद हो गया, चलो छोड़ो। हाँ तो बस जल्दी जल्दी ब्लॉग बना के फिर हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होता ना कि हम किसी को कुछ पार्सल भी कर सकते, कितना अच्छा होता। इसके अंदर इतना कचरा कहाँ से आ गया, अभी तो मैंने झाड़े, चौक वोक भी आ गए इसमें। चलो छोड़ो अभी हम सेटअप करते हैं वीडियो के लिए। विराट नहीं आया आज, उसको सुबह से आज पढ़ाई कर रहा था, फ़ोन टीवी नहीं उसने देखा था, मतलब देखा था पर वो भर भर के देखता है वैसे नहीं देखा, तो अभी आज वो देख रहा है। उसको आवाज़ लगा के बुलाती हूँ, आ जाए तो अच्छा है, मदद कर देता है बहुत ज़्यादा। कह रहा आज ना संडे, आज मेरी छुट्टी है, जबकि आज मंडे है। फिर भी इसकी तो वाटर करते, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी नहीं कि इसकी वाटर करो, ड्राई करो। मैंने कहा जी ठीक है, मेरा मन कर रहा है जिसकी भी क्रमलिंग करें। इसमें भरती हूँ पानी येलो सैंड के लिए। सो तीन वीडियो की भी मैंने सेटअप सोच लिया है, इन दोनों में पानी रख लिया क्योंकि वाटर क्रमलिंग होगी। इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि पहले ड्राई करूँगी फिर वाटर करूँगी, ठीक है। इसकी होएगी दोनों, थोड़ी सी शेप्स बची हैं, पता नहीं वीडियो कितनी ज़्यादा बड़ी बन पाई है और कितनी नहीं। टब रख लेती हूँ जल्दी जल्दी, टब रख के फिर मिलते हैं। चलो जी सेटअप हो गया, ठीक है, मैं फेस कवर करके फिर मिलती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही मिलूंगी। अब एक काइंड ऑफ ट्यूटोरियल ख़त्म करा है, मैं सोचो इसको ऐड ही कर दो, अब एक मिनट का तो है ही। इसको ब्रेक करके मैं पानी में डिजॉल्व करने रख रही हूँ, कितना बढ़िया एकदम पत्थर सा।
भाई ये टूटेगा नहीं, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, बहुत उछल रहा है। बाय बाय।